हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। ये टर्मिनोलॉजी अक्सर हमें ये जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ सुनने को मिलता है, लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मीटिंग्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है एक कन्वर्जन को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को। प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है, जो भी गाइडेंस है रिगार्डिंग फ्यूचर डिसीजन मेकिंग वो प्रोवाइड करती है। कंट्रोलिंग मींस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट्स, एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक ऐसा प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस जिसमें आप प्रोडक्शन को एडवांस में प्लान करें, जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं उनके रूट सेट करें, स्टार्ट और एंड डेट ऑफ प्रोडक्शन को फाइनलाइज करें, विद द स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज एक्चुअली अ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फाइव फंक्शंस हैं, या जिन्हें हम फाइव बेसिक पिलर्स भी कह सकते हैं, एंड दे आर प्लानिंग, राउटिंग, स्केजुलिंग, डिस्पैच एंड द लास्ट वन फॉलोअप। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग फ्यूचर इन एडवांस, लाइक वॉट टू डू, वेन टू डू और हाउ टू डू। मीन्स प्लानिंग में आप एडवांस में वो तमाम रिसोर्सेज प्लान कर लेते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, चाहे वो मैकेनिकल रिसोर्स है या फाइनेंशियल रिसोर्स है। इन तमाम रिसोर्सेज की प्लानिंग वाले फेज़ में जो है वो आप फाइनलाइज कर चुके होते हैं। सेकेंड इज़ राउटिंग। देखिए, राउटिंग से मुराद सिलेक्शन ऑफ पाथ है, मीन्स द रूट ऑफ द प्रोडक्ट फ्लो। मीन्स कैसे एक मटेरियल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या मशीन टू मशीन फ्लो करेगा टिल कन्वर्जन इन टू अ फिनिश प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज स्केजुलिंग। देखें, स्केजुलिंग मीन्स द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट। मीन्स जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं वो कब स्टार्ट होंगी, कब एंड होंगी, और जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो किस सीक्वेंस से जो है वो वर्क करेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा फॉर ईच जॉब, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्केजुलिंग में आ जाती हैं। फोर्थ वन इज डिस्पैचिंग। देखें, डिस्पैचिंग से मुराद स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस है, मीन्स गिविंग द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्पैच में आ जाती हैं। मींस डिस्पैच में आप एक फाइनल इंस्ट्रक्शन जारी कर देते हैं कि आप अब अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्पैच में वो तमाम चीज़ें जो आपने प्लान की हैं, वो तमाम रूट्स जो आपने सेट किए हैं, वो तमाम स्केड्यूल्स जो कि आपने जॉब से रिलेटेड फाइनलाइज़ किए हैं, उन्हें जो इम्प्लीमेंटेशन करने का फेज़ है वो इस डिस्पैच में आ जाता है कि डिस्पैच में आप फाइनल इंस्ट्रक्शन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं कि द प्रोडक्शन विल रन एज पर दी सेट प्लान, एज पर दी सेट रूट और एज पर दी सेट स्केड्यूल। एंड द लास्ट वन इज़ फॉलोअप। देखें, फॉलोअप से मुराद फीडबैक है, डेली चेकिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोग्रेस है और एक्चुअल वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉलोअप में आ जाती हैं। और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।